बहुत दिनों से पहले भी ये विषय आप सबके सामने आया है। हम सब लोग ने भी हमेशा से मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि नगर निगमों का विस्तार होना चाहिए, नगर पालिकाओं का विस्तार होना चाहिए, नगर पंचायतों का विस्तार होना चाहिए, नई नगर पंचायतें बनानी चाहिए। पहले भी बहुत दिनों के बाद योगी जी की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस बार फिर जहां जरूरी था, जहां की जनता मांग कर रही थी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, ऐसे और जिन कस्बों ने मानक को पूरी तरीके से मानक पूरा कर लिया था, ऐसी तकरीबन 18 नई नगर पंचायतों का गठन सरकार फिर से करने जा रही है। और 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार भी करने का फैसला आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। जो नई नगर पंचायतें बन रही हैं उसको हम जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। कटरा गुलाब सिंह बाजार प्रतापगढ़, हीरागंज बाजार प्रतापगढ़, कटरा गुलाब सिंह बाजार प्रतापगढ़, हीरागंज बाजार प्रतापगढ़, गढ़वारा बाजार प्रतापगढ़, गढ़वारा भीरा लखीमपुर खीरी भीरा गैसड़ी बलरामपुर, गैसड़ी बलरामपुर, खखेरू फतेहपुर, कारिकम धाता फतेहपुर, फतेहपुर, तरकुलमा देवरिया जनपद, पत्थरदेवा देवरिया, बैतालपुर देवरिया, मिरहची एटा, तरबगंज गोंडा, धानेपुर गोंडा, बेलसर गोंडा, मार्टिनगंज आजमगढ़, हैसर बाजार धनघटा, संत कबीर नगर, उरावा बाजार गोरखपुर, घगसरा बाजार गोरखपुर, घगसरा घगसरा, ये 18 नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने आज पारित किया है। और जिन नगर निकायों के सीमाओं का विस्तार हो रहा है उसमें नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट, नगर पंचायत मटौंध मटौंध
दादा नगर पंचायत पाली हरदोई, नगर पंचायत लालगंज प्रतापगढ़, नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज प्रतापगढ़, नगर पंचायत मानिकपुर ये भी प्रतापगढ़, नगर पंचायत भगवंत नगर उन्नाव, नगर पंचायत उगू, हाँ नगर पंचायत उगू उन्नाव, नगर पंचायत सहपऊ हाथरस, नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ, नगर पंचायत बड़हलगंज गोरखपुर, नगर पंचायत महाराजगंज आजमगढ़, नगर पंचायत अमीला मऊ, नगर पंचायत पचपेढ़वा बलरामपुर, नगर पंचायत कुरारा हमीरपुर, नगर पंचायत सलोन रायबरेली, नगर पंचायत महोली सीतापुर, नगर पालिका परिषद अमरोहा जी अमरोहा, इसके भी सीमा का विस्तार कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर, हाँ जी, साथ ही इज आर डूइंग बिजनेस जो भी देश और दुनिया के उद्योगपति प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उनको सहूलियत देने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। उसमें श्रम विभाग ने एक सेक्शन होता है बॉयलर सेक्शन, उसके नियम में हम आज संशोधन कर रहे हैं। कहीं कोई बॉयलर्स में कोई छेड़छाड़ हो जाती थी, कहीं कोई बिना शासन प्रशासन को सूचना दिए उसको कहीं उठाकर एक जगह से दूसरे जगह कोई ले जाता था, कहीं एक जगह से उठाकर दूसरे जगह स्थापित कर देता था, तो उसमें सजा का प्राविधान था, 2 साल की सजा जुर्माना के साथ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हम 2 साल की सजा के प्राविधान को हम खत्म करेंगे। जो जुर्माना के रूप में सजा होती है वो चलती रहेगी। इससे काफी जो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण सद्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर हुआ, तमाम इन्वेस्टर आज प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस प्रयास को भी बल मिलेगा। आज इसको भी हम लोग, यह फैसला भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किया है। बाकी बात हमारे वरिष्ठ मंत्री